गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं वॉल हैंगिंग क्राफ्ट, जो दीवार पे हैंग करते हैं ना, जैसे डोर में या तो विंडो में या तो वॉल में, उसके ऊपर जो लटकाते हैं वो आज बनाने वाले इजी वे में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको कौन सा भी कलर पेपर लेना है, तीन पेपर लेना है, जैसे कि मैंने ऑरेंज, ब्लू और येलो लिया है। उसके बाद आप एक कौन से भी एक मैगजीन से उठाया है आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने इतना सर्कल बनाया है, आपको वैसे ही सर्कल लेके उसको कट करना है। आपको ऐसे सर्कल काटना है जैसे मैंने काटा है। कौन सा भी आप शेप लेके सर्कल काट सकते हो। ऐसा रिंग चाहिए, रिंग को साइड में रखना है। उसके बाद आपको पेपर लेना, उसको ऐसे फोल्ड करना हाफ में ऐसे। उसके बाद उसको फिर से यही फोल्ड में आपको फोल्ड करना है। उसके बाद ये फोल्ड में ये जो लाइन है उसमें ही आपको सीजर से कट करना है। ये हो गया। उसके बाद इसको भी ऐसे ही करना है, आपको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे ही इसको भी यहाँ से फोल्ड करना है। ये भी और ये भी ऐसे, तीनों ही ऐसे ही करना है आपको, और तीनों को ही सीजर से कट कर लेना है। ये तीनों को सीजर से कट करके ले लेना। मैंने स्ट्रिप कट कर लिया है, आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था, आपको भी वैसे ही कट कर लेना है। ऐसे स्ट्रिप मैंने कट कर लिया। उसके बाद आपको फिर से उसको ऐसे स्ट्रिप से कट करना है। हो गया है। ब्लू को भी ऐसे ही करना है आपको। और ऑरेंज को भी सेम ऐसे करके आपको शेप साइज लेके कट कर लेना है। तीनों को ही ऐसे ही करना है। तीनों को ही ऐसे ही किया है मैंने। आपको भी ऐसे ही करके उसको कट कर लेना। आप देख सकते हो मैंने कट कर लिए, लेकिन वो एक स्ट्रिप में से, जैसे तीन स्ट्रिप था, वो तीन में से आपको सिर्फ फाइव कट कर लेना है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, येलो 5 लेना है, ब्लू 5 लेना है और ऑरेंज 5 लेना है। तीनों को 5-5 लेके उसको साइड में रख देना है। फर्स्ट में आपको येलो बताया कि कैसा करना है आपको। पहला आप उसको ऐसे फोल्ड करो, फिर से ऐसे फोल्ड करना है, कंटिन्यू फोल्ड करते जाना है। फिर उसको ऐसे ओपन करना है, फिर उसको फिर से फ्रंट करना है और फिर बैक करना है। फ्रंट करना है, फिर बैक करना, कंटिन्यू उसको पूरा करते जाना। उसके बाद उसको लेवल में लेना है ऐसे। ऐसा आपको ये पूरा करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा। थ्री ब्लू की है, थ्री ऑरेंज, थ्री येलो। आपको छोटा ही बनाना है इसलिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे स्टिकिंग लगाना है और ऐसे स्टिक करना है।
कैसे स्टिक करना है, इन सबको ही स्टिक करना है, अच्छे से स्टिक करना है, नहीं तो वो निकल जाएंगे। मैंने स्टिकिंग कर लिया है, आप देख सकते हो, 3 ऑरेंज 3 येलो और 3 ब्लू। उसके बाद आपको अभी ग्लू लगाना है, लेकिन आपको हाथ से ही लगाना है, ग्लू से नहीं लगाना है, नहीं तो वो फिर ग्लू से थोड़ा सा लगाते समय वो निकल जाता है। सो आपको ऐसा रिंग लेना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कट करके ऐसा रिंग बनाना है। उसके बाद आपको एक फर्स्ट ऑरेंज कलर लेना है और यहाँ पे स्टिक करना है, यहाँ पे ऐसा। तो फिर आपको फिंगर यूज़ करना पड़ेगा अभी ग्लू के लिए, ग्लू के बगैर थोड़ा सा फिंगर में ग्लू लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे स्टिक करना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे उसको ऐसे लगा, थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको ऑरेंज के बाद थोड़ा सा ब्लू लेना है, कलर थोड़ा डिफरेंस करना है। उसके बाद आपको ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसा लगाना है, मीन्स आपको ब्लू लेना है, फिर से फिंगर पे यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद आपको फिंगर पे ब्लू लेके यहाँ पे भी थोड़ा सा बीच में लगाना है, ताकि ये वाला यहाँ पे टच हो गया। थोड़ा सा प्रेस करके रखना है आपको उसको। स्टिकिंग हो गया है, जैसे मैंने आपको बोला था ऑरेंज फिनिशिंग। उसके बाद आपको येलो कलर लगाना है, ऐसे ही लगाना है, ऐसे जैसे मैंने लगाया, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर्व करके, सर्कल ऐसा जा रहा है ना ऐसे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे रखना है। यहाँ पर फिर से आपको ग्लू लगाना है, फिंगर से ही लगाना है, तो निकल जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे फिंगर से ऐसे सर्कल करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर्व करके लगाना है, थोड़ा सा नीचे ऐसे, थोड़ा टाइम प्रेस करके रखवा, हो गया। आप देख सकते हो तीनों भी लगाया मैंने, आपको वैसे ही कलर लगाना है, फिर ऑरेंज लगाना है, फिर ब्लू लगाना है, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ब्लू, येलो, जब तक अगर ये सर्कल भर के और आपका ये थोड़ा स्टफ रह गया तभी भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा स्टफ रहना ही चाहिए, लगना ही चाहिए। हो गया है, आप देख सकते हो, मैंने जैसे मैंने आपको बोला था स्टिकिंग करना है, जैसे टाइटली पूरा स्टिकिंग करना है आपको। उसके आप देख सकते हो मैंने 3 स्ट्रिप काटा है, ऑरेंज स्ट्रिप पे लिया और कौन सा नहीं। उसके बाद आपको इसको टर्न करना है स्लोली, ऐसे स्लोली टर्न, ऐसे स्लोली टर्न करना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे स्टिक करना है, ऐसे ग्लू लगाना है। अभी हाथ ही जो गंदा किया, अभी हाथ से आप कर सकते हो उस, ये इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टिक रखना है। सेकेंड वाले को भी थोड़ा सा ऊपर लेना, मीन्स यहाँ पे बीच में थोड़ा सा लेकर ऊपर इसको भी थोड़ा सा यही लेवल पे लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है आप कट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिप लगा के आपको उसको टर्न करना है, स्लोली टर्न करना है, ऐसे जैसे मैंने स्लोली किया। आप देख सकते हो कैसे मैंने किया। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था, जो 5 स्ट्रिप इसका 5 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप्स काटा था, उसमें से एक ऑरेंज है, ऑरेंज में एक ऐसे बनाना है और एक येलो बनाना है आपको, और एक ब्लू कलर का बनाना है। आप देख सकते हो मैंने तीनों भी ले लिया है, उसको ऐसे रखना है। उसके बाद आपको उसको ऐसे स्टिक करना है, ऐसे ऑरेंज को ऐसे बीच में करना है स्टिक, और
ब्लू कलर को थोड़ा सा, ब्लू कलर को थोड़ा सा ऐसे ओपन करना है, स्प्रेड करके और ऐसे स्टिक करना है। अब देख सकते हो मैंने स्टिकिंग कर ली है, पूरा स्टिक हो गया तीनों। सो आप इसको कहाँ भी लगा सकते हो, जैसे कि आप डोर पे भी लगा सकते हो, या तो आप विंडो पे भी लगा सकते हो, या तो बालकनी में भी लगा सकते हो। रेडी हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाया है। अगर मैं कौन सा भी क्राफ्ट बनाती रहती हूँ तो फिर बाहर से कुछ सामान नहीं मंगाती हूँ, जो घर पे रहेगा वही मैं उसे यूज़ करके बनाती। जैसे मैंने गए टाइम मैच बॉक्स का मिनी चेयर बनाया था, मिनी टेबल बनाया था। सो इस टाइम भी मैंने आपको सिर्फ क्राफ्ट पेपर यूज़ किया है, और जो मेरे पास कार्डबोर्ड पेपर था मैगजीन का वो यूज़ किया है मैंने। सो मैं जो क्राफ्ट बना रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ घर में जो सामान रहेगा या तो कुछ वेस्टेज होगा उसे ही बनाती हूँ, ये तो फिर नहीं बनाती। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डालती हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।